खबर गोंडा से है, जहां बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियां करनैलगंज के भंभुआ, प्रहलादगंज, पंचमरी व हलधरमऊ ब्लॉक के बालपुर सहित दर्जनों गांव में टिड्डी दल ने दस्तक दी, जिसके बाद टिड्डियों का यह दल जिले के सभी तहसीलों में पहुँच गया और इन टिड्डियों को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने तेज ध्वनि और धुएं के जरिए इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। वही टिड्डी दल के हमले की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी व कृषि अधिकारी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और फसलों पर दवाओं की छिड़काव कराया जा रहा है, साथ ही टिड्डियों को भगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये कल की बात है, हमारे यहाँ बाराबंकी जिले से हमारे गोंडा जनपद में प्रवेश किए हैं और ये करनैलगंज क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इसका जो टिड्डी का दल था लगभग 15 किलोमीटर लंबा, 3-4 किलोमीटर चौड़ा था। हाँ, शाम को इसका प्रवेश हुआ था। पहले इसका रुख बहराइच की तरफ हुआ, लेकिन रात होते होते करनैलगंज जो हमारा तहसील है उसी के क्षेत्र में इनका स्थिर हुए और वहाँ पे लगभग 10 राजस्व गांव, वैसे मजरे के हिसाब से 15-20 गांव होंगे, लेकिन 10 राजस्व गांव में इन्होंने स्टे किया और वहाँ पर हमारी जो कृषि विभाग की टीम, राजस्व विभाग, गन्ना विभाग की टीम पहले से ही अलर्ट है। पूरे प्रदेश में इनका प्रकोप टिड्डों का हो रहा है, पहले से भी हम लोग अलर्ट हैं, तो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता और प्रधानों से हमने संपर्क कर रखा था। जिस गांव में इनका स्टे होता है, प्रधान अपने संचार माध्यम के जैसे मोबाइल है और कोई साधन है उससे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है, उसको बता देते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। जैसे हम लोगों को पता चला तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर करनैलगंज क्षेत्र में जहाँ पर इनका प्रकोप था तो वहाँ पहुँच गए। उस समय हमारे पास 6 गाड़ी जो फायर ब्रिगेड की थी स्प्रेड करने वाली, और तीन गाड़ी उनकी थी फायर ब्रिगेड की, 3 भारत सरकार की थी वो आ गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने लोकल व्यवस्था कराए रखी, 6-7 ट्रैक्टर पावर डांड स्प्रेयर जो थे उनकी व्यवस्था करा दी थी। साथ ही साथ हम लोग पहले से किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं कि जिन किसानों के पास प्लांट प्रोटेक्शन वाली मशीनें हैं और वो अपने अपने खेतों में अपने आप उनका वो स्प्रे कर दें, तो पूरी रात भर ये प्रोग्राम चला। लगभग जब हमारी ये टिड्डी दल बैठ गया तो जो फायर ब्रिगेड वाली जो मशीनें थी भारत सरकार की थी उनके द्वारा जो बड़े बड़े पेड़ थे उन पर बैठे हुए थे उन पर स्प्रे किया गया और लगभग उनको नष्ट कर दिया गया। जो बचे हुए थे बहुत ऊंचाई पे थे वहाँ पे स्प्रे नहीं हो पाया तो वहाँ पर बच गए। हाँ, तो वो सुबह को उनका जो उड़ान करेंगे, लेकिन हमारा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। नुकसान इसलिए का नुकसान हुआ है क्या है? नहीं, नुकसान में जैसे ये जो है फसलों को खाते हैं, हाँ, तो फसलों में इस समय हमारे मक्का, इस क्षेत्र में मक्का और आपका धान, तो धान इस समय वर्षा हो गई है तो वाटर लॉक वैसे ही भरा हुआ है पानी, तो पानी में ये नहीं उतरते हैं, तो इनको जो अच्छा खाने को जो मिलेंगे पत्तियाँ, तो इन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ पे जो बैठे हैं तो उनकी पत्तियां खाई, तो हमारा विशेष ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। किस जनपद से आए हो? ये वहाँ से आई, पहले लखनऊ से बाराबंकी से, यहाँ पहले इनका उधर से आया था, सीतापुर से आपके बहराइच जिले में, बहराइच से इधर आ गया। करनैलगंज क्षेत्र के अलावा और किसी क्षेत्र में इनकी आमद हुई है? नहीं, और क्षेत्रों में तो ऐसा ही है इनका, जहाँ पे जैसे हवा के रुख के ऊपर रहता है, जैसे हवा जिधर चलेगी उधर चल देंगे। जैसे आज सुबह के टाइम हवा नहीं चल रही थी तो ये हो रहा था कि आज देखने को मिला है। हाँ, उसके बाद जो हवा चली थी तो उसमें ये हुआ कि हमारे जिले की तरफ मूवमेंट आ गई। तो जानकारी हुआ कि बालपुर अभी लोकेशन है सर? ये अभी हमें जिला कृषि अधिकारी से मेरी बात हुई तो इधर जनपद की तरफ आ रही हैं और वहाँ पे लखनऊ से भी यही हो रहा है कि वहाँ अलर्ट कर दिया गया, सिद्धार्थनगर जिले को अलर्ट कर दिया गया, उधर गोरखपुर को अलर्ट कर दिया गया, बलरामपुर को कर दिया गया, श्रावस्ती, बहराइच, तो पूरा अलर्ट है। हमारे पूरा विभाग जो है सब पूरे जिले अलर्ट हैं, जैसे भी कोई इनका प्रकोप होता है तुरंत दवाई भी पर्याप्त मात्रा में रखवा रखी है और इनको फायर ब्रिगेड और आपकी गन्ना विभाग इनसे सबसे दवाई और मशीनें पर्याप्त मात्रा में करा रखी हैं। किसानों को भी जागरूक कर दिया गया है तो इससे नुकसान कम हो रहा है।
ठीक है।